कहते हैं कि दिल से प्यार करता हूँ, दिल टूट गया, क्या ये साइंटिफिकली सही भी है? क्या दिल वाकई प्यार करता है? असल में प्यार में दिल से ज्यादा दिमाग का रोल होता है, लेकिन दिल को एक हीरो बना दिया गया। आइए जरा प्यार की साइंटिफिक जानी को समझे, दिल से लेकर दिमाग तक। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ये दिल? असल में दिल एक मस्कुलर ऑर्गेन है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, और इसका काम हमारे पूरे शरीर में ब्लड पंप करना ताकि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन शरीर की पूरी सेल पे पहुंच सके। ये करीब 72 बार प्रति मिनट धड़कता है और पूरे 24 घंटे काम करता है, और अगर ये काम करना बंद कर दे तो हार्ट ब्रेक नहीं शायद कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो सकते हैं। अगर इस हार्ट की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे तो इसमें 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। जब ये हर बार धड़कता है तो ब्लड को लंग्स में भेजता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके और फिर शरीर की बाकी हिस्सों में दे सके। मतलब दिल का असली काम तो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना ही है। लेकिन जब हम किसी प्यार या इमोशंस पे होते हैं तो हमारे दिल तेजी से धड़कने लगता है, और इस बढ़ी हुई हार्ट रेट को हम इमोशन से जोड़ लेते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो प्यार का कनेक्शन दिल से है। असल में सारे इमोशन का खेल दिमाग में ही होते हैं। हमारे दिमाग में एक सिस्टम मौजूद है, यह भी सिस्टम आ गया, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यह हमारे दिमाग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो इमोशन, यादें और मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। प्यार, लगाव और जुड़ाव, इन सभी भावनाओं को महसूस करने में लिम्बिक सिस्टम एक अहम भूमिका निभाता है। अब जो कहते हैं कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब जो धड़कन होते हैं इसमें 2 आवाज आता है। अरे नहीं रे, असल में ये आवाज लब डब होते हैं, और वो हार्ट की बल्ब्स की वजह से होती है। जब दिल से ब्लड पुश होता है तो ये बल्ब्स बंद होती है और साउंड्स प्रोड्यूस करती है। लब साउंड तब होती है जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व बंद होती है जिसे ब्लड पीछे ना लौटे, और डब साउंड्स तब होती है जब आओटिक और पल्मोनरी वाल्व्स बंद होती है जिससे ब्लड बाहर की तरफ पुश होती है। अब ये मत बोले कि तुम्हारे प्यार में धक धक करने लगा, उसकी वजह ये बोले कि तुम्हारे प्यार में लब डब होने लगा। मतलब प्यार के साथ जो दिल की धड़कन जुड़ा हुआ रहता है वो बस एक मैकेनिकल साउंड है, लेकिन जब कोई एक्साइटेड या नर्वस होती है, प्यार में ही मान लो, तो दिमाग के कारण एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होती है जिसे हार्ट रेट और ज्यादा तेज हो जाती है, जिसे हम दिल की धड़कन समझते हैं। पर जब कोई हार्ट ब्रेक होता है या प्यार में दर्द में होते हैं तो चेस्ट में पेन क्यों होता है? इसे समझने के लिए इमोशनल पेन और फिजिकल पेन की कनेक्शन को समझना पड़ेगा। जब आपको किसी से प्यार होता है और उसे खो देते हो, मतलब ब्रेकअप भी समझ लो या और दुख, तो सबसे पहले दिमाग की एमिग्डाला एक्टिवेट होती है। ये एमिग्डाला फिर हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से बातचीत करेंगे, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड को बोलेंगे कि भाई या बहन जो भी हो कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर लो, जो यानी कि एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल। जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो ये फिजिकल पेन का भी एहसास दिला सकता है जिससे चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रीथिंग इश्यू, और कई बार ऐसा लगता है कि मानो असली पेन हो रहा हो। मतलब असल में दर्द ब्रेन का एक रिएक्शन है, लेकिन दिल तो बस एक मीडियम है। इसे हम मेडिकली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। असल में दर्द तो ब्रेन ही क्रिएट करता है, लेकिन इसे हम दिल के साथ जोड़ लेते हैं। अब जरा ब्रेन की केमिस्ट्री को समझे, असली खेल तो ब्रेन में ही होता है। प्यार और इमोशंस के लिए ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, ये इमोशंस रेगुलेट करता है और हार्मोन रिलीज करता है। जब आप किसी को पसंद करते हो तो फिर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। एमिग्डाला ये फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। यही रीजन है कि हम हार्ट ब्रेक के टाइम इतना एनर्जियस और सैड फील करते हैं। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया VTA, जब आप किसी से मिलते हो और इसे पसंद करने लगते हो तो ये डोपामाइन रिलीज करता है, और ये आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स देता है, और ये सब केमिकल रिएक्शन ही है। प्यार का एहसास जो हमें होते हैं वो बस हार्मोन्स की वजह से है। डोपामाइन आपको एक्साइटेड रखता है, सेरोटोनिन आपको हैप्पीनेस देता है, और ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग फील कराता है। अब आता है मजे की बात, प्यार की स्टेजेस पर आते हैं जो असल में केमिकल रिएक्शन के जरिए डिफाइन होती है। सबसे पहला स्टेज अट्रैक्शन, पहली नजर का प्यार। जब आप किसी को पहले बार देखते हो और अट्रैक्ट होते हो तो ब्रेन में डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है। इसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पम्स स्वेटी हो जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पहली बार मरियम में गया था,
और आपको ऐसा लगता है कि मानो आप किसी स्पेशल से मिले हो। यही वो स्टेज है जब पूरी दुनिया ब्राइट और मैजिकल लगने लगता है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अब आता है दूसरी स्टेज, रोमांस, ख्वाबों की दुनिया में। अब आपकी ब्रेन ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे फीलिंग्स और ज्यादा गहरी हो जाती है। अब आपको लगता होगा कि यही वो इंसान है जिसके बिना आप खुश नहीं रह सकते। हर टाइम एक्साइटमेंट रहता है, मूड अच्छा रहता है, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा खुश फील करते हैं। यही वो स्टेज है जहां हर गाना रोमांटिक लगने लगता है। इसी दौरान बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होती है, जो आपको अटैचमेंट फील कराता है। फिर आता है तीसरी स्टेज, अटैचमेंट, सच्चे प्यार का एहसास। अटैचमेंट का स्टेज असली कमिटमेंट वाला स्टेज है। यहाँ ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉयल्टी जैसे फीलिंग्स को इंक्रीज करती है। इस समय एक्साइटमेंट तो कम हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और यही से मैच्योर प्रेम की शुरुआत होती है। मतलब ये वो स्टेज है जब लोग शादी और फैमिली की प्लानिंग करते हैं। यही टाइम है जब रिलेशन स्टेबल होने लगता है और आप पार्टनर के साथ कंफर्ट और ट्रस्ट फील करते हैं। फिर आता है लास्ट स्टेज, ये सब कुछ होने के बाद, चौथा स्टेज, हार्ट ब्रेक, प्यार का दर्द। और अगर किसी वजह से ये रिलेशन टूट जाए तो फिर दिमाग का एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिग्डाला फियर और सैडनेस की फीलिंग को ट्रिगर करता है, और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। इस वक्त चेस्ट में जो पेन होते हैं, इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये असल में ब्रेन के कारण होते हैं, और दर्द का महसूस दिल में होते हैं। ब्रेन का हर कमांड बॉडी में सिग्नल भेजता है, इसलिए दिल को हमेशा ब्लेम करना आसान हो जाता है। अगले बार जब कोई कहे कि दिल से प्यार करता हूँ, तो याद रखे प्यार दिमाग करता है, और दिल तो बस एक सिंबल बन गया है। साइंस भी बड़ी दिलचस्प हो सकता है, बस उसे दिल से समझना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक सच्चाई के साथ।